नवनिर्मित राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी हस्तियां शामिल हुई, उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और साध्वी रितंबरा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के सामने दोनों मिली तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इस मौके पर राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंची थी, जहां उमा भारती ने राम मंदिर पहुंचने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि मैं अयोध्या में राम मंदिर के सामने हूं, रामलला की प्रतीक्षा हो रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उमा भारती और साध्वी रितंबरा भावुक हो गई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या पहुंची उमा भारती और साध्वी रितंबरा ने एक दूसरे को गले लगाया और इस दौरान साध्वी रितंबरा की आंखों में आंसू देखे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज शब्द नहीं है, भाव ही सब कुछ कह रहे हैं। बता दें कि परम शक्ति पीठ और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी रितंबरा ने कहा कि यह प्राण प्रतिष्ठा की खुशी की घड़ी है। पूरे देश और पूरी दुनिया को सजाया गया है, कार सेवकों का बलिदान सार्थक हो गया है और रामलला आ गए हैं। बता दें कि उमा भारती और साध्वी रितंबरा राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वालों में से एक हैं। बहरहाल राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उमा भारती और साध्वी रितंबरा जैसे कई आंदोलनकारियों के साथ ही देश भर के राम भक्तों का सपना पूरा हो गया है और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।